वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की गवर्नर हाउस आमद, कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर के अलावा सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद जानते हैं सलमान तारिक से। जी सलमान तारिक। जी वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की गवर्नर हाउस आमद, वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से। और इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर के अलावा सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब का कहना था कि जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की क्यादत में हुकूमत पंजाब आवाम की फलाह बहबूद के लिए जाम इकदाम उठा रही है और हुकूमत इंसाफ की फराहमी, कानून की बालादस्ती और आइन की हुक्मरानी के लिए काम कर रही है। जबकि वज़ीर-ए-आला पंजाब का इस दौरान मुलाकात के दौरान कहना था कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इमरान खान की क्यादत में आवाम से किए गए तमाम वादे पूरे करेगी और इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली के लिए लोकल बॉडी सिस्टम में तरामीम लाई जा रही हैं। उनका मजीद कहना था कि जी आवाम को सेहत और तालीम की सहूलियात की फराहमी के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जी सूबे के तमाम इदारों को मौसर, फाल और मुतहरिक बनाया जा रहा है और आवामी हकूक की फराहमी में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं। शुक्रिया सलमान तारिक आपका।